अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट्स क्या। और दोस्तों आज आपकी 15 जुलाई दिन सोमवार हो चुकी है, आज की बड़ी खबरें देखने वाले हैं। और सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे खुशखबरी। और खुशखबरी तो किन बच्चों के लिए खुशखबरी आई है दोस्तों, बीएड में गरीब सवर्णों को आरक्षण की मंजूरी, बढ़ेंगी 21,000 सीटें। जी हाँ दोस्तों, अब बीएड में गरीब सवर्णों को आरक्षण की मंजूरी दोस्तों मिल चुकी है और 21,000 सीटों बढ़ेंगी। तो ये एक बड़ी खबर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग के लिए, चलिए कुछ गरीब बच्चों के लिए कुछ तो हुआ। जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 10% आरक्षण मतलब आपको मिलना शुरू हो चुका है। अब दोस्तों दूसरी अपडेट हम देखेंगे कि प्रसिद्धि विद्यालयों में अधूरे आदेश से अटका शिक्षकों का समायोजन, इस पर दोस्तों डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती हाईकोर्ट इलाहाबाद अपडेट बाई रीना सिंह के द्वारा देखेंगे। और शिक्षा मित्रों का मुद्दा सोमवार को लोकसभा में उठेगा, यानी दोस्तों आज शिक्षा मित्रों का मुद्दा लोकसभा में उठने वाला है। और प्रसिद्धि विद्यालयों में शिक्षकों के चयन हेतु गुणवत्ता अंक एवं भारत संबंधी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा 25वां संशोधन नियमावली 2019 दोस्तों देखने वाले इस वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 40-45 या 60-65 को लेकर। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और कुछ लोगों के लिए दोस्तों खुशी का दिन है, जैसे मतलब 21,000 सीटें पड़े तो उन बच्चों का दोस्तों एडमिशन हो पाएगा जिनको एडमिशन नहीं मिल पा रहा था। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले एक अच्छी खबर पर ही आज पढ़ लेते हैं। तो किसी ना किसी के लिए दोस्तों आज अच्छा हुआ है कि बीएड में गरीब सवर्णों को आरक्षण की मंजूरी, बढ़ेंगी 21,000 सीटें। बीएड में गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के लिए शासन से निर्देश मिल गए, मगर सोमवार 15 जुलाई प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि है, जिसके चलते रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने शासन को पत्र लिखकर प्रवेश प्रक्रिया की तिथि आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है। यह आदेश लागू होने के बाद बीएड में गरीब सवर्णों के लिए 21,000 सीटें बढ़ जाएंगी। बीएड के साथ ही यह आदेश एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ठीक है से संचालित अन्य पाठ्यक्रम बीपीएड बीएलएड एमएड आदि पर लागू होगा। इस बार बीएड की राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी रुहेलखंड विश्वविद्यालय को दी गई थी, जिसमें 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। करीब 2.25 लाख सीटों में अब तक करीब 2,15,000 सीटें भरी जा चुकी हैं, मगर अब तक बीएड में गरीब सवर्णों को आरक्षण लागू नहीं किया जा सका था। शनिवार को एनसीटीई के अंतर्गत संचालित बीएड एमएड बीपीएड बीएलएड आदि कोर्स में भी इसे लागू करने की मंजूरी मिल गई। अब विश्वविद्यालय प्रशासन इन पाठ्यक्रम में गरीब सवर्णों का आरक्षण लागू करने की तैयारी कर रहा है। बीएड प्रवेश परीक्षा के राज्य समन्वयक प्रोफेसर पीआर सुप्रेती ने बताया कि सोमवार को एडमिशन की प्रक्रिया का अंतिम दिन है, जिसके चलते शासन से तिथि आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया है, ताकि गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण लागू कर एडमिशन किया जा सके। एनसीटीई ने EWS कोटे के तहत एडमिशन के लिए निर्देश जारी कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब कुछ लोगों को आज का दिन तो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अब दोस्तों बात करेंगे कि भाई प्रसिद्धि विद्यालय में अधूरे आदेश से अटका शिक्षकों का समायोजन, उसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की क्या अपडेट्स हैं। और शिक्षा मित्रों का भाई मुद्दा अब तो लोकसभा में उठने वाला है, जो कि बहुत ही बड़ी खबर है। तो देखते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध विद्यालयों में शिक्षकों के समायोजन की समय सीमा बीत गई, लेकिन कहीं भी समायोजन नहीं हो सका है। समायोजन आदेश में कमी का फायदा उठाकर मनमानी की शिकायतें सामने आई, तो अब विभाग ने सरकार से मार्गदर्शन मांगा है। विभाग ने 17 जून को प्रसिद्ध स्कूलों की समायोजन नीति जारी की थी, इसके लिए डीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। कमेटी को सभी स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात की गणना कर सरप्लस शिक्षकों को ऐसे स्कूलों में समायोजित करना है जहां शिक्षकों की कमी है। समिति को एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में परस्पर समायोजन का भी अधिकार दिया गया है। समायोजन में दिव्यांग और सेना में कार्यरत जवान की पत्नी या पति को समायोजन में वरीयता देने का प्रावधान है, लेकिन शासनादेश में सरप्लस शिक्षक का मानक स्पष्ट नहीं किया गया था। इसका फायदा उठा
उठाते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने किसी स्कूल में कनिष्ठ शिक्षक को सरप्लस मान लिया तो किसी स्कूल में वरिष्ठ शिक्षक को सरप्लस मानकर उन्हें दूसरे स्कूल में भेजने की तैयारी कर ली। सरप्लस शिक्षकों के चयन में मनमानी की शिकायत बेसिक शिक्षा निदेशालय पहुंची तो निदेशक सर्वेश विक्रम सिंह ने सरप्लस शिक्षक के चयन का मानक निर्धारित करने के लिए शासन को पत्र लिखा है। सूत्रों के मुताबिक सरप्लस शिक्षक के चयन का मानक तय होने के बाद ही अब प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। तो दोस्तों ये बड़ी खबर थी, जो भाई शिक्षक इंतजार कर रहे थे कि हमारी घर वापसी होगी, हम घर जाएंगे, लेकिन अब इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, समायोजन में वरिष्ठ और कनिष्ठ शिक्षक में ऐसे में से किसे हटाया जाए, इसको लेकर कई बीएसए ने मार्गदर्शन मांगा है। हमने शासन को पत्र लिखा है, सर्वेंद्र विक्रम सिंह, निदेशक बेसिक शिक्षा। ठीक है दोस्तों, चलिए शिक्षक आप लोग के शिक्षा मित्रों का जो मुद्दा है आज लोकसभा में उठने वाला उसको भी देख लेते हैं। शिक्षा मित्रों का मुद्दा आज सोमवार को लोकसभा में उठेगा दोस्तों, ये बड़ी खबर थी। और चलिए पहले उसको ये खबर अपडेट हम लोग देख लेते हैं कि जो आप लोग की नई अधिसूचना जारी हो गई दोस्तों, ठीक है, उसमें क्या कहा गया है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा 2500 संशोधन नियमावली, उसमें दोस्तों देखिए आप लोग हाई स्कूल का 10% अंक लिया जाएगा, इंटरमीडिएट का भी 10%, स्नातक का भी 10%। ठीक है, तो चलिए एक चीज अच्छी रहेगी। उसके बाद दोस्तों बीटीसी या बीएड जो आप लोग करेंगे उसमें 10% नंबर लिया जाएगा। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत 10% लिया जाएगा। और देखिए दोस्तों 12 को लेकर इसमें कहा गया कि प्रत्येक पूर्ण अध्ययन वर्ष के 2.5 अंक अधिकतम 25 अंक तक दिया जाएगा। मतलब दोस्तों अगर आप लोग 10 साल पढ़ा चुके होंगे तो आपको 25 अंक का 12 अंक मिलेगा जो शिक्षा मित्रों को मिल रहा है। और दोस्तों काफी बच्चे बात कर रहे हैं कि 12 अंक हटाया जा सकता है क्या। देखिए दोस्तों हम 12 अंक हटाने की बात तो कहीं कहीं नहीं गई है। और हम इसमें आपको बताना क्या चाहते थे, जो बड़ी खबर थी और जो बड़ी अपडेट्स आपको समझनी चाहिए वो ये है कि यदि दो से अधिक अभ्यर्थियों के, ठीक है, गुणवत्ता अंक समान हो, मतलब दोस्तों मान लेते कि आपके 70 अंक आ रहे हैं और मेरे भी 70 आ रहे हैं, दोस्तों हम दोनों के 70-70 गुणांक बन रहे हैं, फिर क्या होगा आगे। तो ऐसे अभ्यर्थी का गुणवत्ता अंक, ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी का नाम जो आयु श्रेष्ठ में, ठीक है, आयु में श्रेष्ठ हो, सूची उच्चतर नाम आयु में श्रेष्ठ हो, ठीक है, सर पर रखा जाएगा। मतलब पहले कि ये था दोस्तों अगर हमारी एज, ठीक है, मान लीजिए मेरी दोस्तों 25 साल है और आपकी दोस्तों 24 साल है, ठीक है, तो दोस्तों नौकरी हमको मिल जाएगी, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब हम दोनों के नंबर तो समान है लेकिन नौकरी किसको मिलेगी, नौकरी हमें मिलेगी। किस लिए मिलेगी कि हमारी आपसे उम्र थोड़ी सी ज़्यादा है, एक साल बड़े हैं या एक दिन भी बड़े होंगे तो भी हमें नौकरी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों एक और कंडीशन दी गई है, यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक और आयु समान हो जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थि का नाम जो अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम से, ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार सूची में रखा जाएगा। मतलब दोस्तों कहने का मतलब ये था, अगर मेरा नाम दोस्तों ए से आता है और आपका नाम बी से आता है, ठीक है, तो पहले किसको नौकरी मिलेगी, पहले हमको मिलेगी। मान लेते मेरा नाम पी से आता है और आपका दोस्तों नाम आर से आता है, तो किसको पहले नौकरी मिलेगी, पहले नौकरी हमें मिलेगी। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है उसके हिसाब से नौकरी दे दी जाएगी। तो ये सब चीज़ें दोस्तों, तो ये हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में आप लोग भी अपने बच्चों का नाम या कुछ भी रखेंगे तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो उनका नाम हो अंग्रेजी वर्णमाला में जितने पहले से आ सके उतना ही आपको फायदा मिलेगा। मतलब किस्मत बहुत, देखिए भी 69,000 जो आपकी शिक्षक भर्ती चल रही है इसमें भी काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनका, मतलब जिनकी गुणवत्ता काफ़ी समान होने वाले, एक ही बता दें आपको 65 से लेकर 75 के बीच में कम से कम नहीं तो 1,00,000 से अधिक बच्चे होने वाले। जी हाँ दोस्तों, 1,00,000 से प्लस बच्चे होंगे जिनका गुणवत्ता, मतलब जिनका मतलब गुणांक 65 और 75 के बीच में बनेगा, तो मतलब 10 नंबर में 1,00,000 बच्चे होंगे। तो मतलब सिंपल सी बात है कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके बिल्कुल एक्यूरेट होंगे। मान लेते दोस्तों 65 अंक को लेकर दोस्तों मान लेते 70 अभी अंक गुणांक बहुत से बच्चों का बनेगा, लेकिन उसमें फायदा किसको मिलेगा, जिनका नाम ए से शुरू होगा और जिनकी उम्र अधिक होगी। तो ये दो चीज़ें आपके पास होंगी दोस्तों, तब आपको नौकरी मिलेगी। अगर आपकी उम्र कम है तो भी आप बाहर हो जाएंगे, और आपका नाम जैसे मान लेते बी से शुरू होता है तो भी आप बाहर होंगे। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मतलब जितना पहले नाम आएगा उतना फ़ायदा मिलेगा और जितनी ज़्यादा उम्र होगी उतना फ़ायदा मिलेगा। अब दोस्तों एक और अपडेट देखते हैं,
कि आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती हाई कोर्ट इलाहाबाद अपडेट बाय रीना सिंह क्या क्या था उसको देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी सरकार ने फिर से एक बार हम लोगों को भर्ती से बाहर करने के लिए हाई कोर्ट इलाहाबाद के डिवीजन बेंच में अपील कर दिए, जबकि इसके पहले वह लखनऊ में सुनवाई भी हो चुकी है। यह सिर्फ और सिर्फ उसकी कुटिल चाल है कि लखनऊ से तो आशा नहीं दिख रहा, हो सकता है इलाहाबाद से शिक्षा मित्रों को भर्ती में 60-65 के माध्यम से बाहर करने की मंशा पूर्ण हो जाए। साथियों, ईश्वर ने चाहा तो इनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। हमने अपने सीनियर एडवोकेट माननीय श्री अशोक खरे जी को हायर कर लिया है। कल हम उन्हें आवश्यक पेपर जो उनको चाहिए उपलब्ध कराएंगे। बाकी कोर्ट की सारी औपचारिकताएं उनके द्वारा पूरी की जा चुकी है। संभवतः मंगलवार को सुनवाई हो, यह कल ही क्लियर होगा, लेकिन हम तैयार हैं सुनवाई के लिए। माननीय खरे साहब आश्वस्त हैं कि डिवीजन में भी हम आप लोगों का पक्ष मजबूती से रखेंगे। ईश्वर ने चाहा तो आप लोग सफल होंगे। इसलिए हमारी आप लोगों से अपील है कि किसी को अनावश्यक चंदा ना दें, हम लड़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुछ ऐसी बात कही गई है। तो इनके अनुसार कि दोस्तों, अगर कल कोई सुनवाई होती है या शिक्षा मित्रों को बाहर करने के लिए सरकार जो नई प्लानिंग के तहत अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के डबल बेंच में सुनवाई होने वाली है, तो उसके लिए तैयार रहने को कहा है। और दोस्तों, शिक्षा मित्रों का भी आज मुद्दा लोकसभा में उठने वाला है, तो काफ़ी बड़ी अपडेट्स आज आपको देखने को मिलने वाली है। तो सबसे अच्छी खबर जो थी दोस्तों, वो गरीब सवर्णों को लेकर थी, जिन्हें आरक्षण की मंजूरी मिल चुकी है और उनके लिए 21,000 सीटें बढ़ चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, 21,000 सीटें, मतलब अब उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा जो एक तो गरीब कोटा से आता, जिनके नंबर भी कम होंगे। सब कुछ फायदा मिलने वाला है दोस्तों, समय बदल रहा है। और जिनके लिए पहले कभी आरक्षण नहीं होता था, अब उनके लिए भी आरक्षण मिला है, तो इसलिए कभी तो खुशखबरी आई है काफ़ी दिनों बाद। और समायोजन दोस्तों बहुत ही जल्द होगा, लेकिन थोड़े उसमें कमियाँ रह गई हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट देख लिया, ठीक है। आज शिक्षा मित्रों का भाई मुद्दा लोकसभा में उठेगा। और क्या, और हमने देखा दोस्तों इस वीडियो में कि भाई अब आने वाले टाइम में आप अगर आप लोग को अपने बच्चों का नाम रखना है, तो ये ध्यान रखिएगा जितना आगे रखिए ABCD में उतना ही फायदा उन्हें मिलेगा। अगर उन्हें शिक्षक बनाना है या किसी भी सरकारी नौकरी में नौकरी दिलानी है, प्राइवेट जॉब्स कराना है, तो कोई मतलब नहीं, कोई भी नाम रख सकते प्राइवेट वाले बच्चे। लेकिन अगर सरकारी में आना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, और भी अपडेट्स मिलती रहेंगे आप लोग को 40, 45 और 60, 65 को लेकर। और एक बात और दोस्तों, कि आप लोग की रिवाइज आंसर की कब तक जारी होगी उसको भी हम लोग जानेंगे। ठीक है दोस्तों, रिवाइज आंसर की यार अब तक जारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या, अब सरकार भी दोस्तों क्या चाहते हैं, सब भी यही चाहते हैं दोस्तों, कि रिवाइज आंसर की एक बार जारी हो गई ना तो पूरा मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे 60, 65 और 40, 45 को लेकर लड़ रहे हैं, ये मुद्दा उसी दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन आप लोग की रिवाइज आंसर की जारी हो जाएगी। तो मतलब दोस्तों, वेट कर रहे हैं कि रिवाइज आंसर की जारी होते ये पता चल जाएगा कितने बच्चे 90, 97 में आ रहे हैं या नहीं। अभी दोस्तों बच्चों में कन्फ्यूजन बना है। अभी 88 नंबर वाले बच्चे चाहते हैं कि 60 और 65 कटा हो, क्योंकि वो उनको लगता है कि उनके 2 नंबर बढ़ जाएंगे। और उम्मीद है दोस्तों कि 1-2 नंबर बढ़ जाते हैं, लेकिन कभी कभी आपकी किस्मत थोड़ी सी खराब होती है, तो दिक्कत होती है। तो दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों पर हम लोग बात करते रहेंगे, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आगे क्या होगा। लेकिन हाँ, आप रिवाइज आंसर की दोस्तों जारी हो जानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद दोस्तों हम लोग लास्ट में रिजल्ट का वेट करेंगे। क्योंकि जैसे ही आप लोग का डबल बेंच से मामला क्लियर होगा सब कुछ, फिर रिजल्ट तुरंत जारी होगा दोस्तों। और अगली सुनवाई लखनऊ खंडपीठ में डबल बेंच में 2 अगस्त को होनी है, 2 अगस्त 2019 और दूसरे दिन होगा आपका फ्राइडे शुक्रवार। तो दोस्तों, ये दिन आप लोग के लिए जानना जरूरी है भाई, अगर शुक्रवार को सुनवाई होगी तो आपकी 2 दिन की छुट्टी मिलने वाली है, शनिवार और रविवार की। तो बाकी के अपडेट्स के लिए आप लोग दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, सब कुछ अपडेट्स आपको मिलेंगे। और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, और आपका दिन शुभ हो, और रात हो गई हो तो शुभ रात्रि।